नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है धाकर न्यूज के ताजा तरीन एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकर न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क सिर्फ धर्मेंद्र धाकर के साथ। जैसा कि देख सकते हैं, हमारे साथ एक व्यक्ति है, शायद इनका हार्ट टूट गया है। इनसे इस वजह जो है इनकी जानेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, हमारा नाम पूसी अरुण जी है। सर जी, थोड़ा तेज बोलिए, नहीं सुनाई दे रहा। सर, हमारा नाम पूसी अरुण है। जी, पूसी अरुण इनका नाम है। तो कैसे आपका हाथ टूट गया पूसी अरुण जी? सर, हमने ना सर ये कराटे एकेडमी ज्वाइन किया था सर। अच्छा। सर, इन्होंने बोला था कि मार धार सिखाएंगे सर, लेकिन पहले दिन सर हमको उठा के पटक दिया और हाथ तोड़ दिया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले दिन आपको उठा के पटक दिया और हाथ टूट गया। तो मतलब ये आप सीखना क्यों चाह रहे थे कराटे? सर, हमारा ना एक दोस्त है सर, उसने हमसे 2500 रुपये उधार लिया था परसों। हाँ। सर, उसने कहा था कि अपनी गर्लफ्रेंड को ना होटल में खाना खिलाने जाना है। अच्छा। तो हमने सर उसको दे दिया, कह रहा था UPI नहीं चल रहा, एक घंटे में दे दूंगा। अच्छा अच्छा। सर, एक घंटा हो गया, उसने पैसे नहीं दिए हमारे। तो सर हम उसको ढूंढने निकल गए और ढूंढते ढूंढते हमने देखा सर ओयो के बाहर वो एक लड़की के साथ था, और सर वो लड़की ना उसकी गर्लफ्रेंड नहीं सर, हमारी गर्लफ्रेंड। तुम्हारी मतलब तुम्हारे पैसा से तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मतलब कर दिया? तो बेस्ट फ्रेंड साला होता ही अलर्ट जी, ऐसे बेस्ट फ्रेंड पे भरोसा करना चाहिए? कभी हमेशा धोखा ही देगा बेस्ट फ्रेंड। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इन्हीं के पैसे से इन्हीं के गर्लफ्रेंड को ओयो में ले जाके कर दिया गया है, और उसी के लिए सेल्फ डिफेंस, उसी को मारने के लिए सीख रहे थे। हाँ। उसी को मारने के लिए सेल्फ डिफेंस का क्लास ले रहे थे, लेकिन पहले दिल टूटा, फिर पटक दिया, इनका हाथ भी टूट गया। अब इनकी गांव ना टूट जाए, इसीलिए हम यहाँ पे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे किस तरह से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ये लोग क्या देते हैं यहाँ पे। हैं, चलो जी दिखाओ हमको। आप भी लेंगे का चाचा? आइए यहाँ पे देखिए, यही है जहाँ पे सेल्फ डिफेंस, यहाँ पे मतलब कराटे इनको सिखाया जा रहा था, लेकिन पटक दिया गया पहला ही और हाथ तोड़ दिया गया इनका। आइए मेरे साथ। हाँ, ये देखिए, यही है जो कराटा एकेडमी है, यही है, आइए मेरे साथ दिखाइए। यही कराटा एकेडमी है जहाँ पे सिखाया गया था। अरे, ये आप मैनेजर हैं क्या यहाँ के? जी, ये बताइए कि इनका नाम है पूसी अरुण, ठीक है, ये ट्रेनिंग लेने आए थे, लेकिन पहले दिन इनको पटक के हाथ तोड़ दिया गया जी। अब जानबूझ के थोड़ी ना किया है, देखो ट्रेनिंग में ऐसा हो जाता है कभी कभी। अच्छा, मतलब जानबूझ के नहीं ना किया? जानबूझ के नहीं करता कोई भी। देखिए, बात इनकी भी सही है, कराटा का ट्रेनिंग है, मतलब हाथ उठे ना उन्हें जाता है तो टूट भी जाता है, तो ही टूट गया। तो मतलब देखो, जानबूझ के तो किए नहीं है ना। तो अब बताओ कि तुम हमसे क्या चाहते हो, कि हम क्या करें यहाँ पे, बताओ। हम तो आपसे चाहते सर इनको, इनसे ना सर हमारे पैसे दिला दीजिए सर, जो हमने इनको फीस पे किए थे ना सर, सर वो हमको नहीं। बात इनकी एकदम सही है। तो इनका जो भी इन्होंने यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस दिया था, पैसा रिटर्न कर दिया जाए इनका? सर देखिए, ऐसा थोड़े ना होता है सर, हम लोग फीस लिए थे इनको सिखाने का, ट्रेनिंग का, और हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, मना थोड़ी ना कर रहे हैं। आप आओ ट्रेनिंग करो। अब हाथ टूट गया तो क्या गाड़ से ही ट्रेनिंग लेगा, कैसे ट्रेनिंग करेगा? सर देखिए, हमारी पॉलिसी है, हम पैसा रिटर्न नहीं कर सकते। मतलब पैसा उसे वापस नहीं करिए? बिल्कुल नहीं मिलेगा सर। और सर देखिए ना, ये एक्सीडेंट है सर, एक्सीडेंट तो कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकता है। एक्सीडेंट कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकता है, और इनका पैसा ये लोग नहीं कह रहे हैं रिटर्न करने के लिए। अब हम इसमें क्या करें जी? यहाँ पे देखिए, जिम का भी सामान है, यहाँ पे आए हैं, पैसा रिटर्न करिए नहीं रहे तो थोड़ा सा जिम यहाँ पे कर लिया जाएगा। ये देखिए, 10 किलो का, यहाँ पे देखिए 10 किलो का डंबल है, यहाँ पे देखिए हम लोग मारते हैं, और ये जो देखिए, अरे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कहीं भी हो सकता है एक्सीडेंट, और अभी एक आध को और एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं भी कभी भी यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पे, और कुछ हो रहा है। अच्छा, ज्यादा गर्मी चढ़ी तेरे को? तू कह रहे रुक, तेरी गर्मी उतारता हूँ। गर्मी उतारेगा क्या है ये, क्या है? अरे लाठी का ले लाए जी, लठिया का रखा है, मारेगा हमको, मारेगा हमको तेरी बहन के चोदो, मारेगा रे साला, गाड़ी के फोन में साला लाठी लेके आया था, तू को गोली गांड में मारेंगे, सब लाठी लाने नहीं उतर जाएगा। आप लोग अपनी ट्रेनिंग पे जाइए, रखिए आप इसको अंदर, इसको अंदर रख रहे हैं सब का। मुझे बताइए, मैं ओनर हूँ यहाँ का। ओनर है आप जी? ये देखिए, यहाँ पे ये एडमिशन लिया था, दर्द नहीं ना जी? बहुत दर्द, ठीक है। ये देखिए, एडमिशन लिया था, पहले दिन इसको पटक दिया गया, इसका हार्ट टूट गया, अब कह रहे हैं पैसा वापस करने के लिए, तो वो भी नहीं किया जा रहा है? नहीं सर, इनका पूरा पैसा वापस किया जाएगा, यहाँ पे कोई भी फ्रॉड का काम नहीं होता है। अच्छा, इनका कर दीजिएगा। जी जी जी। तो देखिए, यहाँ पे धाकर न्यूज पे देखिए, इनका हमने एकदम तुरंत न्याय दिलवाया है, इनका जो भी पैसा है वो रिटर्न यहाँ पे किया जा रहा है। ये देखिए, इनका पैसा यहाँ पे रिटर्न हो गया, तो थोड़ा सा देखो तुम्हारा टैक्स कट गया, टैक्स जो है, हाँ DST होता है, धाकड़ सर्विस टैक्स ना है, तो थोड़ा सा सर्विस दिए तो टैक्स नहीं कटेगा, तुम्हारा टैक्स कट गया, जाओ यहाँ से, जाओ, हो गया तुम्हारा पैसा वापस। तो ये देखिए, इनका हमने टैक्स भी काट के सब सिस्टम सेट कर दिया है, तब यहाँ से हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पर आई गए हैं तो हमारे कराटे वीडियो का भी एक वीडियो बना दीजिए, थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा। अच्छा, प्रमोशन चाहते हैं, ये भी बात मतलब सही है, कहें कि यहाँ पे आ गए हैं तो वीडियो बना लें। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा जोगिंदर जख्मी। जी जोगिंदर जख्मी जी, ये कब से खोले हैं अभी अकेडमी? 2 महीने से।
दो महीने से खोले, तो मतलब इन लोग को आप ही सिखाते हैं? नहीं नहीं, हमने ट्रेनर रखा हुआ है। अच्छा। चाइना का जो शाओलिन टेंपल है वहाँ पे जो कराटे सिखाते हैं उनको बुलाते हैं। शाओलिन? हाँ। देखिए इनका कहना है कि जो शाओलिन है, चाइना में एक मंदिर है शाओलिन टेंपल है, वहाँ पे कुंग फू कराटा ही सब सिखाया जाता है, तो वहीं से इन्होंने एक ट्रेनर बुलाया है। तो हमें ये बताइए कि मतलब आपके दिमाग में आया कैसे कि हम ये कराटा और कुंग फू का एकेडमी खोलना चाहिए? सर एक बार मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, अच्छा मेरी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई, उस गाड़ी में से दो लोग बाहर निकले, उन्होंने मेरे को बहुत पीटा सर। अच्छा। तो मुझे लगा कि आदमी को जूडो कराटे सीखना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो जैसा कि आपने सुना कि इनकी पिटाई हुई बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद इनका दिमाग खुला कि मतलब हमको कोई काहे मार सकता है, हम भी मार सकते हैं, इसलिए इन्होंने सोचा कि कुंग फू कराटे सीखना चाहिए, इसलिए एकेडमी खोल दिया है ना। जी, जी, जी। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट जो सीखता है, तो हमें कुछ मतलब दिखाइए कि क्या सीखा है। मैं भी दिखाता हूं। आइए सुनो सर, ये है यही हमारे... यही लाठी लगे मार रहा था ना रे। अरे डरो मत, अंदर रखे हैं। ये क्या है सर? ये हैं हमारे हैंड टू हैंड के एक्सपर्ट। अच्छा मतलब हैंड टू हैंड मतलब? सर वो हाथ से हाथ की लड़ाई होती है ना, उसके एक्सपर्ट हैं ये, इनको हमारे प्रोफेशनल ट्रेनर ने सिखाया। मतलब लड़ाई तो हाथ हाथ से हाथ का, कोई लाड़ से लाड़ टकरा के थोड़ी लड़ता वो है। बात तो बिल्कुल सही है सर, लेकिन ये उसके एक्सपर्ट हैं और ये आपका कोई भी वार रोक लेंगे। अच्छा अच्छा, कोई भी मेरा वार, कोई भी वार रोक लोगे जी मेरा? हाँ मैं आपका एक एक वार रोक लूंगा। ठीक है देखते हैं जी, कहना है कि हैंड टू हैंड एक्सपर्ट है, सीनियर से भी ट्रेनिंग लिए हैं, तो देखते हैं किस तरह से रोक लगे। देखो पहला बार आ रहा है, देखो साला ये कौची साला रोका, कुछ रोकिए नहीं रहा है। चलो फिर से आ रहा है, इसको रोकना कहते हैं, फिर से ट्राई करो, एकदम कंसंट्रेट होके देखो, एकदम रोकना ठीक है। तक साला कुछ नहीं रोक पा रहा है, एक लास्ट मौका देते हैं, इधर आओ साला, लाठी से मारे गई, एकदम रोकना एकदम कंसंट्रेट होके ठीक है। चलो साला कौची रोका रे, रोकिए नहीं पाएगा ये सब साला, इधर खाली व्हाट्सएप पे आदमी को ब्लॉक कर सकता है, इससे वार ब्लॉक होगा बबल ऐसे। इस सब कहाँ आड़ू झाटू के बुला रहे हैं जी, अपना मेन ट्रेनर जो है उसको बुलाइए। जी जी मैं अभी बुलाइए उसको। ये देखिए यहाँ पे इसका मेन ट्रेनर को यहाँ पे हम लोग बुलवा के देखेंगे, और इसका देखिए गोड़ में दर्द हो ठीक हो जाएगा, ऐसे एक्सीडेंट होता है, ध्यान से लटकना जी, गिरेगा गांड टूट। अरे 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 एक मिनट, इधर आओ जी। हेलो चाचा जी, आप भी ट्रेनिंग कर रहे हैं जी? तो मतलब आपको भी कोई मारे उरे का धमकी दिया है का? अरे नहीं भाई, ये तो मैं फिट रहने के लिए करता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब खुद के फिटनेस के लिए, कोई ऐसा बोला तो नहीं ना कि मारेंगे? नहीं नहीं, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए करता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब कोई धमकी देगा तो बताएगा उसका गांड फाड़ देंगे, ये मतलब फिट रहने के लिए यहाँ पे दंड उठा रहे हैं। चाचा जी ध्यान से दंड उठाइएगा, नहीं तो आपके अंड पे लग जाएगा, गंड भी फट सकता है। तो यहाँ पे का जी मिला? अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे देखिए ये यही यही है जी, इसको तो खुद साला ये हॉर्लिक्स का जरूरी है, दूध में मिला के मतलब पिलाइए। हैं क्या नाम है आपका? जुरागी सुखारिया जी, इनका नाम है जुदारी सुखारिया। तो मतलब आप चाइना से ट्रेनिंग लेके आए हैं? हाँ जी सर। अच्छा, और इन लोग को काफ़ी ट्रेनिंग दी है? मैंने की है सर इन्हें। बड़ा लड़चड़ ट्रेनिंग दी है जी इन लोग को? सर अभी सर सीख रहे हैं सब, अभी सीख रहा है। तो आप सीख लिया है ना पूरा? हाँ जी सर। तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ दिखाइएगा? हाँ जी जी सर जी। तो ये जो है चाइना से ट्रेनिंग लेके आए हैं जो मॉन्क का, ये हमारे दर आपके लिए मतलब कुछ यहाँ पे ट्रिक दिखा रहे हैं, तो कुछ दिखाइए क्या ट्रिक आप दिखाएंगे। अच्छा इसको गांड में डालेगा, कौची करे इसको? अच्छा इसको आप तोड़िएगा, ये देखिए एक लकड़ी है जो कि एकदम सॉलिड लकड़ी है, इसको तोड़ के दिखाएंगे। हेलो, ये यहाँ पे लकड़ी को तोड़ के हमें दिखाएंगे कि किस तरह से सॉलिड, ये देखिए। अच्छा इसको इसको हाथ बचाने के लिए, अच्छा हाथ बचाने के लिए ऊपर एक कवर लगाया है, चलिए दिखाइए एकदम। अरे बहन क्या बात है, क्या बात है, एकदम जैसा कि देख सकते हैं कि लकड़ी एकदम दो टुकड़े हो गई है और एकदम सॉलिड लकड़ियाँ हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अरे बहन सब टूटल लकड़ी है, अगर माइके बुमारो है, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम टूटल साला, यही साला सॉलिन से सीख के आया है। तुम चाइना गया था रे? हाँ जी हाँ जी सर, गया था सर। तो चाइना में यही सब सीख के आया है तुम? यही सर, सर मैं गया था चाइना सर, वहाँ ट्रेनिंग नहीं ली सर, मैं मंदिर के पास बाहर सर मोमोज बेचता था सर, और सर इसको पैसे कमाने के लिए मैं यहाँ पर आ गया सर। तुम चाइना में जाकर वहाँ मोमोज बेचता था सॉलिन टेम्पल के बाहर? हाँ जी सर। तो साला झूठ झूठ काला बोलता है रे भाई, यहाँ से माइक चलो, यही सब रखे हो जो मोमोज बैठने वाला का ट्रेनर बनाए हो आप? सर हमें भी अभी पता लगा है, अभी पता लगा कि साला कोई भी लड़का कुछ सीखता क्यों नहीं है, भाग ऐसे भगा उसको तेरी माइक चलो भाग साला। तो मतलब इस तरह से बताइए, आदमी आके अपना फीस दे रहा है, गोड़ गांड तोड़वा रहा है, वो अपने फर्जी एकदम मोमोज ला के रख लिया है। सर इस पार्ट को डिलीट कर दीजिएगा, नहीं तो बड़ी बदनामी हो जाएगी सर।
कुछ यहाँ पे डेली टूलेट नहीं होगा, जा रहा मैं यहाँ से साला। अरे सर टाइम वेस्ट करते हो तुम साला खाली। अरे सर कुछ बहुत पैसा लगा चुका हूँ, बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तो जर्मनी से भी मशीन मंगा रखी है। जर्मनी से मशीन मंगा? हाँ सर, हमने जर्मनी से मशीन मंगा रखी है। देखिए व्यक्ति तो थोड़ा लड़चट लग रहा है, लेकिन बातें इंटरेस्टिंग यहाँ पे कर रहा है कि जर्मनी से कोई मशीन आ रहा है। अब इतना हो गया तो ढाका न्यूज पे हम लोग देख लेते हैं, तो मशीन करता क्या है जर्मनी वाला? सर वो किसी भी मोटे पतले एक आदमी को बिल्कुल एकदम सुडौल और एकदम हट्टाकट्टा बना देता। एकदम सुडौल हट्टाकट्टा बना देगा? हाँ जी। उसका एकदम डेमो दिखाइए हमको। हाँ, एक जी, हम लोग देखेंगे किस तरह से। इस पर भरोसा तो है ही नहीं है, लेकिन देखते हैं उन्हीं को। अच्छा इन्हीं पर दिखाइएगा। हाँ जी, देखिए इनका जो है बॉडी, इनको शेड्यूल, इनको भी अपना परफॉर्मेंस बना के बॉडी हार्ड करवाना था। तो यहाँ पे देखिए इनका बॉडी यहाँ पे हार्ड होगा। और अच्छा यही मशीन है? ये हमारी जर्मनी से ही मशीन है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब है। अच्छा हेलो हेलो, तो इनका प्रोसेस शुरू कीजिए। ये देखिए यहाँ पे जो जर्मनी की मशीन है, एक बार इधर आके दिखा दीजिए मशीन। ये देखिए किल एट स्लिमिंग सिस्टम है यहाँ पे, जो कि आदमी को शरीर को स्लिम कर देता है एकदम, उसको करता है जी। तो ये मशीन थोड़ा सा हमें बताइए कि ये मशीन किस तरह से काम करती है। सर हम इससे आदमी के मस्कुलर के अंदर प्रोटीन्स को इंजेक्ट करते हैं। अच्छा। और वो बिल्कुल बॉडी हार्ड हो जाती है सर। मतलब उसको, अच्छा प्रोटीन डाल के एकदम बॉडी को हार्ड किया जाता जी। है जी। देखिए यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो गया है। हाँ। और यहाँ पे जो मशीन से जो है इसको हार्ड किया जाएगा इनका, और एकदम तुरंत का प्रोसेस होता है सर। ये देखिए हो गया, ये देखिए इनका प्रोसेस हो गया है। देखिए अरे भाई ये कुछ हार्ड कर दिया जी, है बॉडी हार्ड की, यही साला कोच हार्ड हार्ड कर दिया है। कैसन मशीन है यारी, हे भग, मतलब चाचा जी का हार्ड कर दिया। अरे बाप, आपको तो बड़ी दिक्कत हो गया होगा। यही तो मैं चाहता था। अरे यार साला कैसन मशीन है वो। तुम साला एक तो मोमोज, अरे तुम निकल भाग साला। डॉक्टर यहू डॉक्टर नहीं आती होगा को कुछ झाड़ू पोछा लगा वाला। एक तो जर्मनी से तुम मशीन ही लड़चट मंगा लिया, ऊपर से मोमोज वाला के बोला के ट्रेनिंग दिया है। यही सब काम करता है जी एकेडमी खोल के। सर मुझे भी अभी पता लगा है। अभी अब तुमको भी अभी पता लगा कि मशीन ही काम करता है? शर्म आना चाहिए, एक काम साला ढंग के नहीं कर रहा है। आदमी भी लड़चट लाया, मशीन भी बेकार लाया है साला। लगाओ जी बढ़िया से लगाओ, तनी एकदम टाइट कर देना साला, लगाओ। हाँ हाँ।